अच्छा, हमारे साथ अमित मालवीय भी जुड़ गए हैं। अमित मालवीय हमारे साथ जुड़े। अमित जी, आपने ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि किस तरह से ऑन रिकॉर्ड सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शेयर किया कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला किस तरह से रुका है। संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसके पास क्या ये अख्तियार है कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मौजूद किसी व्यक्ति के साथ ये शेयर कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या आपको लगता है कि सीएम चन्नी, जो कि पहले में मंत्री रह चुके, क्या उनको पता नहीं है प्रोटोकॉल क्या होता है? ये आपने जितने भी सवाल पूछे हैं ये मुझसे ना पूछकर मुख्यमंत्री चन्नी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किस प्रावधान के अंतर्गत प्रियंका वाड्रा को फोन करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी दी। प्रियंका वाड्रा किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, न सांसद है, न विधायक है, न कभी उन्होंने संविधान की शपथ ली। ऐसे में मुख्यमंत्री चन्नी की क्या कंपल्शंस रही होंगी कि उन्होंने प्रियंका वाड्रा को फोन करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक जैसे गंभीर मामले की जानकारी दी? क्या वो उनको ये बताना चाह रहे थे कि उनका ऑपरेशन फेल हो गया है? जी अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, उससे पहले हमारे जो संवाददाता हैं आनंद प्रकाश पांडे वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन छोटी सी चीज एक बार बता दीजिए, क्या अपने पार्टी के महासचिव को वो ये जानकारी दे सकते हैं, इसमें कोई गलत है क्या? इस हैसियत से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी पार्टी के महासचिव को दी गई? आप मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक अब विषय इतना असंवेदनशील है कि आप उसके बारे में किसी को भी जानकारी दे सकते हैं? जी, सरकारें क्यों बनती हैं और पार्टियों और सरकारों में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो क्या मेरे पास सरकार की जानकारी होनी चाहिए? हम संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? हम जिस कार्यालय में बैठे हैं, जिस पद पे है, उसकी शपथ क्यों लेते हैं? अगर गांधी परिवार ही हर चीज तय करेगा और उनको पास हर जानकारी होगी बिना संविधान की शपथ लिए, बिना किसी पद पे बैठे हुए, तो फिर सरकारों की क्या गरिमा है, मुख्यमंत्री की क्या गरिमा है? जी आनंद हमारे साथ जुड़े, आनंद आप अपना सवाल लीजिए अमित के साथ। अमित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान को यानी कि प्रियंका गांधी को उन्होंने जानकारी दे के कहीं ना कहीं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि इसका मतलब यही है कि रिमोट कंट्रोल जो है मुख्यमंत्री का दिल्ली में, और वो अपने अपने बिहार पे या अपने मन से कोई भी फैसला नहीं कर रहे वहां पे? देखिए, हमने बार बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक एक संयोग नहीं था, एक प्रयोग था जो फेल हो गया, और इस प्रकार से पार्टी के नेतृत्व को सूचना देना, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई लेकिन वो फिर भी यहां से जिंदा वापस चले गए, मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर मुख्यमंत्री चन्नी ने सफाई देनी चाहिए कि क्यों उन्होंने प्रियंका वाड्रा को इस चीज की जानकारी दी। वो रिमोट कंट्रोल है नहीं है, वो उनके बिठाए हुए मुख्यमंत्री हैं, ये सब पंजाब की जनता तय करेगी। हमारा सवाल सीधा है कि प्रियंका वाड्रा को किस हैसियत से उन्होंने ये जानकारी दी, और क्या ये जो चूक हुई वो गांधी परिवार की शह पर हुई? ये बड़ा सवाल होता है, क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक राजनीतिक षड्यंत्र था? अच्छा ठीक है अमित जी, आप जिस को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और जिस बयान को लेकर इतना बवाल मच रहा है, एक बार वो बयान हम जरा सुनवा देते हैं कि आखिरकार सीएम चन्नी ने क्या बयान दिया था। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई तो उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, तो जैसा कि यहाँ पर आपने खुद सुना कि उन्होंने खुद माइक पर रिपोर्टर से ये कहा कि उनकी बात सोनिया गांधी नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई थी। अमित जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि आप लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है सिक्योरिटी का, इसलिए क्योंकि आपके वहां पर रैली में लोग नहीं थे, सीटें खाली पड़ी हुई थी, जिसका लगातार बखान किया है सिद्धू ने भी, क्या सच्चाई क्या है आखिरकार? ये भी जनता भी जानना चाहेगी कि आखिर क्या हो रहा था रैली में जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार। देखिए, पहली बात तो जहां तक रैली का विषय है, आपके रिपोर्टर भी वहां पर थे जी, आप उस रैली के विजुअल्स, उसमें कितने लोग आए, ये सारी जानकारी, ये सारे दृश्य, फोटोग्राफ, वीडियो सभी मीडिया चैनल्स के पास है, आप दिखा दीजिए।
जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है उस पर कोताही क्यों हुई? क्यों स्टेट के डीजीपी, क्यों स्टेट के होम सेक्रेटरी, क्यों स्टेट के होम मिनिस्टर उस काफिले में नहीं थे जिसमें प्रधानमंत्री थे? क्योंकि उनको बतौर प्रोटोकॉल उस काफिले का हिस्सा होना चाहिए था। जब भी प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में जाते हैं तो ये प्रदेश के आला अधिकारी उस कन्वॉय का हिस्सा होते हैं। तो क्या उन अधिकारियों को मालूम था कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के कॉन्वॉय को रोका जाएगा? क्या उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है? क्या ये जानकारी इन आला अधिकारियों के पास थी? मुख्यमंत्री चन्नी अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और अगर आप अपने चैनल पर जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको अगर आप बुलाकर पूछेंगे तो उनमें से हर व्यक्ति आपको ये बताएगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश की पुलिस, वहां के प्रशासन और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप की थी। तो मुख्यमंत्री चन्नी की सरकार, वहां की पुलिस ने इस प्रकार से कोताही क्यों बरती? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था या किसी राजनीतिक चार्जेस के खिलाफ के अंतर्गत इस प्रकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, आप जो साजिश की बात कर रहे हैं, अच्छा क्या फायदा हो गया उनको अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को जाने से रोक दिया रैली में? ये तो आप मुख्यमंत्री चन्नी से पूछिए ना। आनंद, अपना सवाल लीजिएगा। अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रियंका गांधी को ब्रीफ करके पत्र गोपनीयता की जो शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने ली है उसको उन्होंने उसका उल्लंघन किया, भंग किया, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर चौतरफा दबाव पड़ रहा था, आप लोगों की तरफ से पड़ रहा था, आप लोग उनसे जवाब मांग रहे थे, साथ ही साथ पार्टी के अंदर से भी मनीष तिवारी हो या फिर सुनील जाखड़ हो, ये लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो हो सकता है कि इसलिए भी उन्होंने अपने पार्टी को अपना जवाब या अपना पक्ष रखना जरूरी समझा। तो इसमें इस बात को इतना बड़ा इशू बनाना, ये तो कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने कुछ सीक्रेट बात ही शेयर की हो प्रियंका गांधी के साथ, तो उसको इतना बड़ा इशू बनाना आपको लगता है कि ठीक है? वो तो खुद अपनी कुर्सी एक तरह से बचा रहे थे अपने आला कमान के सामने सफाई देकर। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में जानकारी देना अपने नेतृत्व को, वो उनका राजनीतिक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होना, इसकी जानकारी और इसकी ब्रीफिंग देना, जो मुख्यमंत्री चन्नी वीडियो पे कह रहे हैं, वो बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई उनके प्रशासन की वजह से, उसकी जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना, इस पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सुनील जाखड़ क्या कह रहे हैं, मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, तो उनकी खुद की राजनीतिक जो उठापटक कांग्रेस में चल रही है वो उसका हिस्सा है, उसका हम विषय यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, पंजाब के आला अधिकारी प्रधानमंत्री जी के साथ क्यों नहीं थे, मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका वाड्रा को किस हैसियत में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा चूक की जानकारी दी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या इस प्रकार की संवैधानिक जो दायित्व है उनके पास और इस प्रकार की जो विषय जो बहुत ही संवेदनशील है, इस पे किसी भी पार्टी के महासचिव को ब्रीफिंग करना मुख्यमंत्री का दायित्व होना चाहिए क्या? लेकिन अगर वो पार्टी आला कमान को जानकारी दे रहे हैं, अपना पक्ष बता रहे हैं, तो उसमें ये हमको ये हम इस पहले से ही सोच ले कि उन्होंने कुछ सीक्रेट साझा किया, ये कहाँ तक उचित होगा? क्योंकि वो दबाव में है, चौतरफा उन पे आरोप लग रहे थे आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ऐसे में वो जरूर चाहेंगे कि पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही है कम से कम वो अपना पक्ष तो पार्टी आला कमान के सामने, सोनिया गांधी के सामने या प्रियंका गांधी के सामने रख दें। वही उन्होंने किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की उन्होंने जानकारी दी प्रियंका वाड्रा को। हम उनकी पार्टी में हो रहे राजनीतिक उठापटक की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। प्रधानमंत्री जी के पद की एक गरिमा होती है, उनके कार्यालय की गरिमा होती है और एक सीक्रेसी होती है, उसकी जानकारी पार्टी के महासचिव को देना, वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो शपथ लेके अपने पद पर बैठा हो, ये कहां तक सही है, कहां तक जायज है? अमित जी, ट्वीट में यह भी बात कही गई है, जैसे आपका ट्वीट हो या सबित पात्रा का ट्वीट हो, उसमें यह भी कहा कि
इन्होंने जानकारी तो दी, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया अपने ट्वीट में कि भाई आपने जो हमें काम दिया था हमने कर दिया। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि जो जो भी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है वो सीधा कांग्रेस आला कमान 10 जनपद के इशारे पर उनके कहने पर हुई है? बिल्कुल, अगर एक प्रदेश का पूरा तंत्र प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को तार तार कर देता है तो आपको लगता है कि बिना राजनीतिक शय के हुआ है? ये प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने की पूरी साजिश थी। पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर रोक दिया जाता है और 20 मिनट तक नहीं हिला जाता है, ये आपको लगता है राजनीतिक शय के बिना हुआ होगा? क्या गांधी परिवार की इसमें हामी नहीं होगी? मनीष तिवारी जो उनके खुद के नेता है वो इस बात को कह रहे हैं, सुनील जाकर जो उनके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के वो इस बात को कह रहे हैं, सिद्धू ने अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी विदेश में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे और उस दिन शाम को इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के काफिले की सुरक्षा में चूक होती है, इसके क्या मायने निकाले जाए? अमित जी, आप ऐसा कर मनाइए कि देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित वापस आ गए। अच्छा अमित मालवीय जी, आपने जो ट्वीट किया, एक बार ट्वीट हम जरा दर्शकों को बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपने ट्वीट में पूरी बात क्या लिखी है एक बार बताना जरूरी है। अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने रिकॉर्ड में कहा है कि प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में जानकारी दी थी और यह साफ नहीं है कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर मुख्यमंत्री को किस तरह से यह प्रावधान होता है कि वो जानकारी दे रहे हैं। क्या वो ये बता रहे थे कि वो अपने लक्ष्य से कैसे चूक गए? अमित जी, ये क्या लक्ष्य था और चूक गए, इधर बताएंगे? हमने बार बार इस बात को कहा है कि ये प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने की ये पूरी षड्यंत्र थी, पूरा साजिश था, इसीलिए पंजाब के आला अधिकारी प्रधानमंत्री जी के काफिले में नहीं थे क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि इस प्रकार का हमला हो सकता है और वो यही बता रहे होंगे प्रियंका वाड्रा को कि हमारा मिशन फेल हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।